हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज हम बनाने वाले हैं इडली सांभर, और वो भी हम बनाएंगे बिना किसी इडली अवन या कोई साँचा यूज करे हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ ले ली है एक कटोरी तुअर की दाल, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। हमें दाल को 10 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। दाल भिगोने से हमारी दाल जल्दी पक जाती है, तो इसे रख देते हैं और इडली बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरा सूजी ले ली है, और ये बारीक वाली सूजी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी दही, और इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम मिला देते हैं, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा बैटर रेडी कर लेना है। अभी इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जब हम इसकी इडलियाँ बनाएंगे तब हम इसमें और पानी डालकर इसे पतला कर देंगे। अभी जो हमने सूजी यूज़ करी है वो फूलेगी और ये बैटर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, और इडली के बैटर को भी हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो दाल को भिगोए हुए 10 मिनट हो गए हैं, और इसे हमें दो बार पानी से धो लेना है। और अब हम दाल को डाल देते हैं एक कुकर में पकाने के लिए, और जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से हम यहाँ डाल रहे हैं 3 कटोरी पानी। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल, इससे दाल का पानी ऊपर नहीं आएगा, और इसका ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं गैस पे। हमें कुकर की 3 सीटी आने तक दाल को पका लेना है, और साइड वाले गैस पे हम बना लेते हैं इडली। तो इडली के बैटर को हो गए हैं 15 मिनट, और सूजी भी फूल गई है, और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसका एक पतला बैटर रेडी करेंगे। तो इडली का बैटर हमने पतला कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी है। और इडली के लिए अब हम अवन रेडी कर लेते हैं। इडली बनाने के लिए हम यहाँ इडली अवन नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ बनाएंगे इडली कढ़ाई में, और कढ़ाई में रख देते हैं ऐसा एक स्टैंड, और इसमें हम डाल देते हैं पानी, और स्टैंड के ऊपर हम यहाँ रख रहे हैं एक थाली, और कढ़ाई को हम ढक देते हैं। इडली बनाने के लिए हम यहाँ साँचा यूज नहीं कर रहे हैं, हम इडली बनाएंगे इन कटोरियों में, और कटोरियों में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा तेल, ताकि हमारी इडली आराम से निकल आए, और तेल को फैला देते हैं। तो हमने यहाँ कटोरियों में तेल लगा लिया है, और अब हम बैटर में इनो डालेंगे। इडली के बैटर में हम करीबन 1 और आधा पाउच इनो का यूज़ कर रहे हैं। हमें इनो को लास्ट में ही डालना है, इससे पहले नहीं डालना है, जब हम इडलियाँ बनाने के लिए अवन में रखेंगे। और इडली के बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसको दूसरी डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, नहीं तो इडली के बैटर में जो एयर आ गई है वो निकल जाएगी, और हमारी इडली ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेगी। तो इडली के बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे डाल देते हैं कटोरियों में। हम यहाँ 1-1 बड़ा चम्मच बैटर कटोरियों में डाल रहे हैं।
और कटोरियों को कर लेते हैं थोड़ा सा टैप और इनको रख देते हैं कढ़ाई में। और इनको करीबन 10 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। 10 मिनट में हमारी इडलियां पक जाएगी। और कुकर की भी 3 सीटियां हो गई है तो गैस को बंद कर देते हैं। और कुकर की गैस हमें नहीं निकालनी है, इसे अपने आप निकलने देना है। इडलियों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इडलियों को चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ एक नाइफ यूज़ कर रहे हैं और देखिए हमारा नाइफ पूरा क्लियर आया है। हमारी इडलियाँ पक गई है तो गैस को कर देते हैं बंद और इडलियों को निकाल लेते हैं। हमें इडलियों को ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद हम इन्हें कटोरियों में से निकाल लेंगे। और अब हम इडली का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं 4 चम्मच तेल। तो 4 चम्मच तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे। तो तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग, कड़ी पत्ता, और आधी चम्मच सरसों। तो सरसों को तड़कने देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 से 5 लाल मिर्च। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। और मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ काट के रखी है। यहाँ मैंने 2 सहजन फली ली है और उसे टुकड़ों में काट लिया है। 1 गाजर ली है, आधा गोभी लिया है और 1 टमाटर लिया है। आप अपने पसंद की सब्जियाँ इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमारे प्याज भून गए हैं और इसमें हम डाल देते हैं टमाटर और इसे हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक ताकि हमारा मसाला जल्दी पक जाए। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें डाल देते हैं सब्जियाँ। तो पहले हम इसमें डाल रहे हैं गाजर, सहजन फली और गोभी। और सब सब्जियों को हमें अच्छे से मिला लेना है। सब्जियों को पकाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं पानी। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस जितने में सब्जियाँ पक जाए उतना ही पानी डालना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं इमली का पल्प। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं गुड़, इससे सांभर में खट्टा मीठा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और सब्जी को हम पकने देते हैं। तो कुकर की गैस भी निकल गई है और अब देख लेते हैं दाल को। तो दाल अच्छे से पक गई है, हमें इसे फेंटना नहीं है। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी हैं और अब हम सब्जियों को डाल रहे हैं कुकर में। और कुकर को रख देते हैं गैस पे। आपको सांभर गाढ़ा या पतला जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से सांभर में पानी डाल सकते हैं।
मुझे यहाँ सांभर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देती हूँ। और अब हम इसमें डाल रहे हैं सांभर मसाला, ये 2 चम्मच है। और सांभर में हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में पहले ही नमक डाल दिया है। और सांभर को हमें उबलने देना है। तो जब तक सांभर उबल रहा है तब तक हम इडलियों को कटोरियों में से निकाल लेते हैं। तो हमारी इडलियाँ ठंडी हो चुकी है और इन्हें कटोरियों में से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है एक चाकू और इडली के कॉर्नर्स को हम थोड़ा लूज कर देंगे। तो देखिए हमारी इडली निकल चुकी है और ये कितनी स्पॉन्जी बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। और ऐसा लग रहा है कि ये इडली के अवन में ही बनी है। और ऐसे ही हम सारी इडलियों को निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ सारी इडलियाँ निकाल ली है और हमारा सांभर भी अच्छे से उबल चुका है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया। तो सांभर को हम थोड़ा सा मिला देंगे और कर देते हैं गैस को बंद। और सांभर को हम बाउल में निकाल देते हैं। तो हमारा इडली सांभर बनके रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।